दोस्तों बहुत से यूजर के पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, वो मोबाइल फोन से ही अपने कंप्यूटर रिलेटेड काम करते हैं। तो आज उन्हीं यूजर को बताएंगे कैसे आप मोबाइल फोन से पीडीएफ फाइल को मेल कर सकते हैं। अगर आप भी नए यूजर हो और आपके पास भी कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, मोबाइल से ही आप कंप्यूटर लैपटॉप संबंधित काम करते हैं, तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। सबसे पहले हम आपको पीडीएफ फाइल दिखा देते हैं जिसे हम मेल करेंगे। तो हम जाते हैं यहाँ पर फाइल मैनेजर में, यहाँ पे आते हैं फाइल में एंड यहाँ पर है फाइल्स, यहाँ पर हमारी व्हाट इज कंप्यूटर की पीडीएफ फाइल, हम इसे अब मेल करेंगे। कैसे करते हैं, प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर जीमेल को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों ये ऐप बाय डिफ़ॉल्ट सभी में इंस्टॉल रहता है, ठीक है। बाहर आ जाना है और यहाँ से ईमेल को ओपन कर लेना है। तो जीमेल ही है, इसको ओपन करते हैं। अब दोस्तों पीडीएफ फाइल मेल करने के लिए हम जाएंगे कंपोज पर। कंपोज पर जाने के बाद आपकी ईमेल आईडी डिफ़ॉल्टेड आ जाएगी। अगर आप और कोई ईमेल आईडी से भेजना चाहते हैं तो आप इंटर कर सकते हैं ईमेल आईडी, ठीक है। एंड टू में आप डालेंगे जिसको आप मेल भेज रहे हैं, तो मैं डाल देता हूँ टू में बेसिक कंप्यूटर हिंदी @gmail.com। सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट में क्या डालना चाहे आप डाल सकते हैं, मैं डाल देता हूँ पीडीएफ फाइल, ठीक है। सब्जेक्ट में हमने ये डाल दिया। एंड कंपोज इमेज, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। सॉरी एंड यहाँ से बंद हो गया, ये है मेल का सेक्शन, ठीक है। तो आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। एंड दोस्तों टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ पर फाइल को अटैच करना है पीडीएफ की, जिसे हम भेजेंगे। तो यहाँ पर अटैच का आइकन, इस पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव, अगर आपकी पीडीएफ फाइल ड्राइव पर है तो ड्राइव यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनल स्टोर डिवाइस में तो आप अटैच फाइल पर क्लिक करेंगे। अटैच फाइल पर क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में थ्री लाइन दिखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर है मोबाइल की इंटरनल स्टोर डिवाइस, इस पर क्लिक करेंगे। हमारा एक फोल्डर था फाइल्स के नाम से, ये है, इस पर क्लिक करेंगे। व्हाट इज़ कंप्यूटर ये पीडीएफ फाइल को हम अपलोड कर देते हैं। तो इसे पूरी तरह से अपलोड होने जाने देना है आपको, ठीक है। पीडीएफ फाइल अपलोड होने के बाद यहाँ पर है सेंड का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप चेक करेंगे आपकी फाइल मेल हुई है कि नहीं। सिंपल से थ्री लाइन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर है सेंड, इस पर क्लिक करते हैं और चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस ईमेल आईडी पर मेल हो चुकी है ये फाइल। तो इस तरह से हम पीडीएफ फाइल को मोबाइल फ़ोन से मेल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो हमारे चैनल पर बने रहिए फ्रेंड। थैंक्स एंड बाय बाय।